मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, यह खबर आपके परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा से है। यह खबर आप दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मंत्रालय के एसी कमरों तक शायद ये बात आपके कानों तक न पहुंच पाए, क्योंकि यह खबर एक छोटे से गांव की है जिसकी पहुंच शायद मंत्रालय तक ना हो। बात बच्चों के भविष्य की है। यह खबर इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गाँव के ही सरपंच और सचिव इन बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। 12 सालों से इनकी मिली भगत से आज तक एक स्कूल भवन का निर्माण अधूरा है और बच्चे पढ़ पाए इसलिए गांव के ही परिवार ने अपने घर में स्कूल लगवाना शुरू कर दिया है। सुनिए मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, आपकी व्यवस्थाओं में अव्यवस्था दिखाना पत्रकारिता का धर्म है, सो हम निभा रहे हैं और आपको चेता भी रहे हैं कि आपके द्वारा दी गई राशि का क्या दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, आपकी विधानसभा में एक स्कूल ऐसा है जो पिछले 12 सालों से बन रहा है मगर आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है। आप इतना तो जानते ही हैं, एक साधारण सा स्कूल भवन बनने में 12 महीने ही पर्याप्त हैं, तो 12 साल क्यों लग गए? बस यहीं से किसी घोटाले की बू आने लगती है। और आपको बता दें कि यह घोटाला कोई और नहीं बल्कि गांव के सरपंच और सचिव मिलकर कर रहे हैं। सरपंच और सचिव की मिली भगत से सरकार की दी हुई राशि का जमकर बंदरबांट हो गया है और स्कूल सिर्फ कागजों पर ही बन पाया है। तो मंत्री जी, गलती आपकी भले ही ना हो, पैसा तो आपने आपकी सरकार ने दिया है, मगर आपसे शिकायत ये जरूर है कि आप मंत्रालय के एसी कमरों से निकलकर जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं, उस जनता के बीच जिन्होंने आपको मंत्रालय तक पहुंचाया है। आखिर उस जनता के लाभ के लिए दिया गया सरकारी पैसा सही जगह उपयोग हुआ ये नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है मंत्री जी, क्योंकि वोट मांगने जनता के बीच आप खुद चल कर गए थे। ये लगभग विगत 10-12 साल तो हो चुके इसको निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। अरे पंचायत का काम है तो सब लोग, गांव वाले भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, मगर कोई दबंगों के हाथ में ये काम रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जैसी नगर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेवन के ग्राम सोनकुआ की शासकीय प्राथमिक शाला पिछले 12 सालों से निर्माणाधीन है। इस शाला का निर्माण हो रहा है परंतु आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है। 12 सालों का समय बहुत लंबा होता है, ऐसे में सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसकी सुध भी नहीं ली है। अब बात बच्चों के भविष्य की है, तो बच्चे पढ़े कहां बैठकर, या शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाएं कहां? बच्चों के भविष्य की चिंता में स्कूली बच्चों को गांव के ही एक परिवार ने पनाह दी है और स्कूल अपने घर पर ही लगवाना शुरू कर दिया है। बच्चे कहां बैठकर पढ़ेंगे इसकी चिंता सरपंच और सचिव को बिल्कुल नहीं है। ये तो मिली भगत से स्कूल निर्माण के लिए मिली सरकारी राशि का जमकर बंदरबांट कर बैठे हैं। सोनकुआ गांव की यह स्कूल कागजों पर 12 सालों से सरपंच और सचिव बना रहे हैं मगर इनकी नीयत में खोट है, इसीलिए यह स्कूल भवन आज तक नहीं बन पाया है। सोनकुआ गांव के इस जर्जर कच्चे मकान में ये स्कूल लगाई जा रही है जहां स्कूली बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, मगर मजबूर हैं, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। शिक्षक से स्कूल के बारे में पूछने पर बताया कि दबंगों की दहशत के चलते हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी दहशत के चलते ग्रामीण शिक्षक किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग एक बार बनते बनते धराशायी हो गई और फिर से बनना शुरू हुई तो आज तक नहीं बन पाई। आज स्थिति ऐसी है कि देश का भविष्य खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। मंत्री जी, जरा मंत्रालय के एसी कमरों से निकलकर बाहर आइए और जनता के बीच जाकर देखिए। बोल रहे थे ये जो स्कूल है, ये बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, आपके मकान में ही? हाँ, इतना ही पढ़ रहा है। कितने साल से पढ़ रहा है? 14 साल। चलते, और ये जो स्कूल बन रहा है सामने, कितने साल से बन रहा है लगभग? अब ये तो ये पहले बनी थी तो गिर गई थी। हाँ। और अब फिर चालू होगा काम, बना ही नहीं पा रहे अच्छे से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।